एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पार्ट कॉमन यूआई कंपोनेंट्स के अंदर देखेंगे कि हम अपने कॉमन जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और उन्हें यूटिलाइज कैसे करते हैं। के लिए हम सबसे पहले एक लीनियर लेआउट ऐड कर देते हैं अपने मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर और लीनियर को क्लोज कर देते हैं लेआउट। सेकेंड यहाँ पास जो है अब हमें यहाँ पे अपने लेआउट पर इसकी आउटपुट देखिए तो वापस एक ब्लैंक विंडो वापस आ गई है, इसका मतलब वापस एक लीनियर लेआउट जो है वो एक्टिव हो गया है। सेकेंड हमें एक और इस पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं टेक्स्ट व्यू बस एक लेबल है बिचू जिससे हम एचटीएमएल के अंदर अपने पास लेबल डिज़ाइन कर देते हैं या कंपोनेंट्स से पहले एक मैसेज हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मैसेज क्या हो टेक्स्ट से पहले आना क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर दिया है टेक्स्ट व्यू और उसके कॉन्टेंट जो है वो डिफाइन कर दिया है स्ट्रिंग, ये हम डिफाइन कर देते हैं इसको चेंज कर देते हैं यूज़र नेम और स्ट्रिंग वैल्यूज़ में हम जाते हैं और वहाँ से जाके हम अपना एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं यूज़र नेम के नाम से। सेव करते हैं, मेन पे आते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम वापस कंपोनेंट्स में डिफाइन है, यहाँ पर सेव करते हैं लेआउट में चेक करते हैं बस। तो यहाँ पर बस स्ट्रिंग एट यूज़र नेम जो यहाँ पर आपका आउटपुट नज़र आ रही है यहाँ पर लेआउट में चेक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम और उसके सामने हम कंटेंट्स जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके इसके बाद मुझे नेक्स्ट जो है वो चाहिए, यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है मुझे तो यहाँ पर हमें कॉम्पोनेंट टेक्स्ट में ऐड कर देंगे बटन देन एंड्रॉयड, यहाँ पर हमने एक डिफाइन कर दिया बटन और उसके ऊपर टेक्स्ट हमें डिफाइन कर दिया है लॉग इन नेम। वापस चेक करते हैं तो यूज़र नेम और उसके बाद हमारे पास एक बटन यहाँ पर ऐड हो गया यहाँ पर। इस तरह आप जितने भी कंपोनेंट्स ऐड करना चाहें आप हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे एक और बटन चाहिए कैंसिल तो हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम जाके दोबारा लेआउट पे चेक करते हैं तो बस एक और बटन लॉग इन देन कैंसिल अवेलेबल है। के सेकेंड यहाँ पास अगर मुझे किसी लेआउट के ऊपर इनपुट यूज़र से लेनी है तो यहाँ पर मेरे पास कंपोनेंट में अवेलेबल होता है एडिट टेक्स्ट बॉक्स एडिट इसमें हमने टेक्स्ट एडिटर एडिट ऐड कर दिया यहाँ पर ताकि यूज़र जो है वो यहाँ पर इनपुट भी एक हम यूज़र से ले सकें यहाँ पर। तो हमारे पास एक न्यू यूआई कंपोनेंट है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर जो यूज़र यहाँ पे जैसे क्लिक करके टाइप कर सकता है। ओके इसको हम कंपोनेंट्स को रन करते हैं और उसकी आउटपुट्स को चेक करते हैं कि यहाँ पास क्या है। राइट क्लिक रन एंड्रॉयड ऐप ओके जो सिमिलर ट्राम चल रहा है उसी में रन कर लेते हैं। इसका वन कंपोनेंट्स के अंदर पर अभी हमने तीन कंपोनेंट्स देखे हैं एक एडिट टेक्स्ट व्यू और बटन। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑन हो गया पर यहाँ पर फर्स्ट लॉग इन बटन यहाँ पर टेक्स व्यू आप आ गया देन कैंसिल बटन और यहाँ पे हम पास यूज़र जो है वो उस पर डेटा टाइप कर सकते हैं टेस्ट डेटा टेस्ट आप इस पर आप यूज़र जो है जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करना चाहिए यहाँ पे टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टेक्स एडिटर यहाँ पर अवेलेबल है यूज़र इंफॉर्मेशन क्या करने के लिए।